नमस्कार, मैं अवनी चौधरी अर्थप्रकाश टीवी से। आज हम खड़े हैं सुपना लेक के रेगुलेटरी एंड पर। आपको बता दें कि दिसंबर के महीने में हर साल यहाँ पर प्रवासी पक्षियाँ आते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे इन्हें देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं जो कि आपको दिख भी रहे होंगे। यहाँ पर कुदरत का ये रंगीन नज़ारा देखने को मिलेगा आपको। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण बात और बता दें कि दूर दराज शहर की नॉइज़ पॉल्यूशन से हटकर यहाँ पर आपको शांति और पक्षियों की चहकती हुई आवाज़ें सुनाई देगी जो कि आपके कानों को बहुत ही मधुरता के साथ सुनने को मिलेगी आपको। इसी के साथ एक बात और बता दें, जो हर साल यहाँ पर कैंप्स लगाए जाते हैं लेकिन कोरोना काल के चलते यहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस बार यहाँ पर हर साल दूरबीन की व्यवस्था की जाती थी लेकिन इस बार कोरोना की वजह से वो भी नहीं की गई है। कैंप्स के अंदर यहाँ पर बच्चों को लाया जाता था और विभिन्न प्रजातियों के बारे में बताया जाता था जिनके नाम है नीलसिर, टिकड़ी और प्यासन जैसी अलग अलग प्रजातियां यहां पर हर साल आपको देखने को मिलेगी। आप यहां पर आइए और इनका लुफ्त उठाइए। पर्यटक यहां पर दूर दूर से आते हैं लेकिन कोविड-19 के चलते यहाँ पर कुछ खास भीड़ यहाँ पर देखने को हमें नजर नहीं आ रही है आपको। आइए जानते हैं डॉक्टर वीडी सिंह से माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में कि इनकी कितनी प्रजातियां यहां पर आई हुई हैं। हेलो, ये जो हमारा स्पॉट है सुखना लेक का और यहां की जो ट्रेल है ये बहुत ही मशहूर है इसलिए कि हमारे यहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत सारे आते हैं। नॉर्मली ये अक्टूबर में आने शुरू हो जाते हैं जी। और नवम्बर दिसंबर में बहुत सारे आ जाते हैं। जनवरी फरवरी मार्च तक रहते हैं। तकरीबन मार्च या अप्रैल में भी ये वापस जाना शुरू हो जाते हैं। और हमने अभी तक जो काउंट किया है अबाउट 72 to 75 बर्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं जिनमें छोटे साइज़ 3-4 इंच से लेके बड़े बड़े साइज़ तक के बर्ड्स हैं। और अभी इनकी ब्रीडिंग शुरू होती है, उसके बाद फिर ये माइग्रेट वापस कर जाते हैं जैसे ही गर्मी आती है जी। सर, ये आपका फोटोग्राफी करना आपका पैशन है? हाँ, ये मेरा हॉबी है, जस्ट टू डू बर्डिंग एंड फोटोग्राफी ऑफ द नेचर। आई थिंक इससे बड़ी और चीज़ कोई रिलैक्सेशन चीज़ नहीं हो सकती कि आप नेचर के साथ रहो और अपने फ्लोरा फौना को देखो जी। इससे पहले आपने कहाँ कहाँ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी की है? मैं घूमता रहता हूँ, जैसे अब आफ्टर रिटायरमेंट अभी भी खैर काम तो चलता रहता है डॉक्टरी का, तो लेकिन मैंने ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में, यूके में, यूएसए में, जापान में, सिंगापुर में, इन सब जगह पे बर्डिंग करी और वहाँ के प्रजातियों को देखा है और बहुत ही अच्छे लगे मेरे को। ब्राज़ील के स्पेशली जो बर्ड्स थे बहुत ही सुंदर और आला किस्म के बर्ड्स ब्राज़ील में पाए जाते हैं जिनको हमने देखा। थैंक यू सर। ऐसी ही कुछ रोमांचक खबरों को जानने के लिए बने रहिए अर्थप्रकाश टीवी पर। मैं अवनी चौधरी कैमरा पर्सन दीपक चौहान के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।